जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन सभी भाइयों के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इस वीडियो में उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो इस वीडियो में मैं आपको RPF कॉन्स्टेबल की पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि इसका फिजिकल से लेके इसकी आप फॉर्म भरोगे उससे पूरी की पूरी डिटेल कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए, इसमें लॉन्ग जंप कितना होता है, अप जंप कितना होता है, पूरा का पूरा जो इसका क्राइटेरिया है वो सभी आपके सामने बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक देखिए कि आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो तो आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी मार्च के महीने में आने वाली है, तो आपको उसके लिए तैयार हो जाना, अभी से पेपर की तैयारी कर देनी है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम बात करें RPF कॉन्स्टेबल की वैकेंसी की, किसकी एज क्राइटेरिया क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। तो अब बात करते हैं कि इसकी एज। दोस्तों इसकी एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल, OBC को 3 साल प्लस मिल जाता है, SC ST को 5 साल प्लस मिल जाता है। इसमें आप 10th क्लास अगर पास है, आप चाहे कितने भी परसेंटेज से पास हो, इसका कोई मापदंड नहीं है कि आप 40% से हो, 45% से हो या 50% से हो। आप 10th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे कितने भी परसेंटेज से हो 10th क्लास पास होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप OBC में हो तो 18 से 28 साल होनी चाहिए, और आप अगर SC ST में हो तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद में अगर इसकी बात करेंगे पे स्केल का, तो इसका पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपये, जो कि सेम SSC GD कॉन्स्टेबल के बराबर है दोस्तों। तो इसका पे स्केल और SSC GD कॉन्स्टेबल का पे स्केल दोनों का समान है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करें कि इसका जो फिजिकल का जो मापदंड है वो किस प्रकार से है। अगर लड़कों के लिए देखें, इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर, मतलब SSC GD में जो हाइट 170 रहती है, RPF कॉन्स्टेबल में उसमें 5 सेमी की छूट मिल जाती है। तो जिन बच्चों की हाइट थोड़ी सी कम है वो इसकी तैयारी ज़रूर करें। लड़कियों के लिए इसकी हाइट देखें तो 157 सेमी है। साथ में अगर लड़कों का चेस्ट देखें तो लड़कों के चेस्ट के लिए सेम SSC GD की तरह आपको 80 से 85 होना चाहिए, मतलब 80 to 85, यानी 5 सेमी का आपका चेस्ट का फुलाव होना जरूरी है। उसके बाद में अगर SC ST के लिए अगर हाइट देखें इसमें, तो SC ST के लिए इसकी हाइट 160 सेमी लड़कों के लिए, 152 सेमी लड़कियों के लिए, और चेस्ट लड़कों के लिए 77 to 82 है SC ST के बच्चों के लिए। तो छूट में काफ़ी, मतलब हाइट में काफ़ी अच्छी छूट दी गई है दोस्तों इसमें। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनकी हाइट कम है, तो वो ज़रूर तैयारी करें इसकी। अब अगर हम बात करें इसके फिजिकल की, इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, तो लड़कों के लिए पहले अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। साथ में इसमें आपका लॉन्ग जंप होगा 14 फीट, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस में आपको 14 फीट जंप करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ दोस्तों, 14 फीट जंप आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग जंप में 14 फीट जंप ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली एक बच्चा जो फोर्स की तैयारी करता है वो 18 से 19 फीट जंप नॉर्मली कर देता है। तो अगर आप नहीं कहे हो अभी तक तो जरूर ट्राई करें, आप आसानी से 14-15 फीट जंप नॉर्मली कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में लॉन्ग जंप की अगर बात, हाई जंप की बात करें, तो लड़कों के लिए 4 फीट हाई जंप है। 4 फीट हाई जंप की भी मैं आपको खास बात बता दूं कि नॉर्मली बच्चा अगर आप ऐसे भी जंप करोगे तो 3 फीट ऊपर उठ जाओगे, खड़े खड़े अगर आप जंप करोगे तो भी 3 फुट से ऊपर आप अप जंप कर दोगे। तो अगर रनिंग के साथ आप करोगे, 4 फीट जंप लड़कों के लिए ज़्यादा नहीं है। तो जो जिन बच्चों ने अगर एक बार भी लॉन्ग जंप या हाई जंप नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें। आपको मैं बता दूँ, इस मापदंड की वजह से इसकी मेरिट थोड़ी सी लो रहती है, क्योंकि ये मापदंड हर कोई पूरा नहीं कर पाता। जिसका मोटा शरीर होता है या ज़्यादा एज वाला, वो ये मापदंड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर बनता है। अब बात करें लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसका समय 3 मिनट 40 सेकंड का दिया जाता है। 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की जो रनिंग है आसानी से कर सकती है लड़कियां, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मतलब आप आसानी से 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में कर सकते हो। लड़कियों के लिए इसका जो अप जंप है, यानी हाई जंप है, वो 3 फीट का है, और साथ में लॉन्ग जंप है वो है 9 फीट। तो 9 फीट लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर एक आसानी से खड़े खड़े भी अगर आप जंप करोगे 3 पैर पीछे लेके भी, तो 6 से 7 फीट आप जंप कर दोगे। तो अगर 2-4 दिन आप ट्राई करोगे रनिंग के साथ जंप करने की, 9 फीट आप आसानी से कर पाओगे। 3 फीट जंप भी ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल रस्सी, जहाँ पे रस्सी लगी हुई है वहाँ पे अगर आप 1-2 बार ट्राई करना चाहो तो गद्दे के साथ करना, 2.5 फीट से आप कूदना शुरू करना, पहले अप जंप करना। और अप जंप के लिए किस प्रकार से करना, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि आपका अप जंप कैसे बढ़े। तो ये इसका क्राइटेरिया है फिजिकल का। तो आप इस अगर क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो मतलब आप इसका फॉर्म जरूर भरना। अब अगर इसके बात करें सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में 50 क्वेश्चन GK के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। टोटल
120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। तो मतलब ज़्यादा हार्ड इसका पेपर भी नहीं है। सेम अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हिंदी अटेस्ट नहीं है, बाकी सेम टू सेम पेपर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। आप ज़रूर इसका फॉर्म भी भरना, और इसके इस क्राइटेरिया में भी आपको SSGD से काफ़ी छूट मिल जाती है। थोड़ा सा फिजिकल में टफ भी रहता है उससे, क्योंकि SSGD में लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी छूट भी मिल जाती है। तो यानी ये आपके लिए बहुत ही खास बात है कि जिनकी हाइट कम है उनके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो आप ज़रूर ट्राई करना आप अगर इस क्राइटेरिया में बैठते हो। इसके बाद में इसका होता है मेडिकल। मेडिकल में आप सभी को पता है कि नॉर्मल सा मेडिकल होता है, जिस प्रकार से SSGD का मेडिकल होता है वैसे ही RPF कॉन्स्टेबल का मेडिकल होता है। और आप आसानी से जिन बच्चों का मेडिकल फिट है तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो उनको रीमेडिकल मिल सकता है। बाकी आप सभी मेडिकल फिट हो सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।